नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहे, फिर चाहे आप अपने गांव, ऑफिस या किसी विभाग या फिर अपने सेल्फ घर पर ही लगवाना चाहते हो, या फिर आप बिजली बेचना चाहते हो, इस हिसाब से सोलर पैनल लगवाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि सरकार पूरी की पूरी मदद करेगी, आपकी 100% मदद करेगी आपकी सोलर पैनल लगवाने में। और दोस्तों, इसके बहुत सारे प्रॉफिट भी आपको मिलेंगे, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना ब्राउजर ओपन कर रखिएगा और ब्राउजर पर गूगल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। गूगल पर आपको टाइप करना है सोलर रूफ टॉप, आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही आप सोलर रूफ टॉप सर्च करोगे तो देखिए, पहले नंबर पर ही आपको वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपको सोलर रूफ टॉप की वेबसाइट अवेलेबल हो रही है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो आप निश्चिंत होकर इस पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको ये सुविधा दी जाती है, जहाँ पर आपको लगभग घर पर बिजली लगवाने का खर्च बिल्कुल लगभग फ्री पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर, यहाँ से आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं और गवर्नमेंट के अनुसार स्कीम का लाभ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, इसकी गवर्नमेंट वेबसाइट खोल ली है, तो अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर तीन ऑप्शंस मेरे काम के होंगे, ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो देखिए, यहाँ पर FAQ का एक ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी आपके दिमाग में सवाल हो उस टाइप के सवाल पर आप क्लिक करिएगा, तो आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पहले से ही पोर्टल बनाकर रखा जाता है कि आपको कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पर FAQ में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल एप्स भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने मोबाइल से भी सारी जानकारी ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके बहुत ही काम के होते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका होता है सोलर रूफ टॉप कैलकुलेटर। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप EMI यानी कि लोन के थ्रू लेना चाहते हो, वैसे लोन के थ्रू भी लोगे तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह से आप इस सोलर सिस्टम को फ्री में लगवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन शुरुआती कुछ पेमेंट होती है वो आपको करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो कैलकुलेटर को किस तरह से यूज कर सकते हैं और क्या क्या यूज है इसके वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सोलर रूफ टॉप कैलकुलेटर को सिलेक्ट किए लेता हूँ, ठीक है ना, ओपन किए लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ही सोलर रूफ टॉप कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ तो देखिए, यहाँ पर मुझे तीन टाइप के बॉक्स दिखते हैं। पहला बॉक्स आपको मिलेगा टोटल रूफ टॉप एरिया, अगर आप एरिया वाइज लगवाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने गांव में लगवाना चाहते हैं और गांव में ही बिजली बेचना चाहते हैं, या फिर किसी छोटे शहर में रहते हैं और वहां पर लगवाना चाहते हैं और बिजली बेचना चाहते हैं, तो यहां पर आप फर्स्ट नंबर पर टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर अगर आप कैपेसिटी के आधार पर अपने घर पर ही सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपके घर की बिजली की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप दूसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर बजट के अनुसार लगवाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर सेलेक्ट कर दीजिएगा कि आपका कितना बजट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपने बजट को 1 लाख यहाँ पर सिलेक्ट किए देता हूँ, ठीक है ना, कि मेरा यहाँ पर मिनिमम बजट जो है वो है 1 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दूसरे नंबर पर अपना मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस भी एरिया में आप रहते हो उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप कहाँ पर लगवाना चाहते हो, ऑफिस या इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफिस कहाँ पर लगवाना चाहते हो, उस हिसाब से यहाँ पर ऑफिस ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि अगर आप घर पर लगवाना चाहते हो तो यहाँ पर रिसाइडेंटली सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा आ जाता है कि आपको यहाँ पर 8 रुपए की किलो वाट हर्ज के हिसाब से आपको यहाँ पर बिजली मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 8 रुपए RS किलो वाट हर्ज के हिसाब से आपको बिजली मिलेगी। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट ऑप्शंस बटन पर क्लिक किए देता हूँ, तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, क्या क्या डिटेल्स आ रही, कैसी डिटेल्स आ रही वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए पहली डिटेल्स देखिए यहाँ पर मिल रही है हमें साइज ऑफ पावर प्लांट। तो यहाँ पर आपका 1.4 किलोवाट का आपका जो मतलब कि लगभग 1.5 किलो का आपका जो पावर प्लान होगा, पावर प्लांट होगा, वो आपका लगवाया जाएगा छत पर। गवर्नमेंट ही लगवाएंगी, कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियां होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो आपके घर पर लगाने आएंगी, ठीक है ना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ द प्लान, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सब्सिडी भी दी थी है सरकार, और यहाँ पर फ्री भी आपको पड़ जाएगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपको फ्री पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1 लाख रुपए का अगर आप लगवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 70,000 रुपये देने होंगे, और यहाँ पर आपको लगभग 30% की डिस्काउंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना विथ सब्सिडी 30%। तो यहाँ पर आपको 1 लाख में से 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 30,000 आपको नहीं देने हैं, ओनली 70,000 रुपये देनी है। आपका 1 लाख का पावर प्लांट लगकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम सोलर पैनल, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनुअल, यहाँ पर एक साल में आपके देखिए 2100 किलोवाट हर्ज के हिसाब से आपकी जो बिजली होती है वो उत्पन्न करेगा इस सोलर पैनल, ठीक है ना। इसके बाद लाइफ टाइम जो होता है दोस्तों, अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक 25 साल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आप 25 साल तक अपनी व्यू अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सको बिना किसी परेशानी के। ना ही आपकी लाइट आने जाने का डर रहेगा, ना ही किसी और चीज का डर रहेगा। आप बेफिक्र होकर 2400 घंटे 25 साल तक लगातार बिजली का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगर आप 25 साल में यूज करते हो तो देखिए 25 साल में आपको कितनी बिजली पैदा कर कर देता है। एक साल में तो आपको 2100 किलो वाट हर्स के हिसाब से बिजली पैदा कर कर देता है, लेकिन 25 साल में आपको ये 5200 किलो वाट हर्ज के हिसाब से आपको बिजली पैदा कर कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए देखिए टू देखिए इसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल एनर्जी जनरेट फ्रॉम सोलर पैनल, ये तो मैंने बता ही दिया है। थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको 8 रुपए के हिसाब से 8 रुपए किलो बाढ़ हर्ज के हिसाब से, देखिए यहाँ पर अगर आप एक महीने में बिजली यूज करते हैं तो कितने की आप यूज कर लोगे। देखिए आपको वो देना सिर्फ 70,000 रुपये ही लगाने हैं 1 लाख रुपये में से, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट प्रॉफिट मैं आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको एक महीने में आप यूज करोगे कितने की, लाइक 1400 रुपये की आप यूज कर लोगे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप साल एनुअल देखते हो कि एनुअल में एक साल में कितने रुपए की बिजली यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर 16,800 रुपये की आप एक साल में यूज कर लेते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको साल में कोई पेमेंट नहीं करनी होती है ऐसी, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको इतनी यूज कर लोगे। आप भले ही फर्स्ट टाइम 70,000 रुपये का इन्वेस्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर एक साल में ही आप 16,800 रुपये की बिजली यूज कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए लाइफ टाइम 25 ईयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लाइफ टाइम में कितनी बिजली यूज कर लोगे, तो यहाँ पर आप पूरे 25 साल में आप बिजली यूज कर सकोगे। देखिए यहाँ पर 4,20,000 रुपये की आप बिजली यूज कर लोगे। देखिए आपने यहाँ पर 70,000 रुपये का इन्वेस्ट किया था और यहाँ पर आप लगभग 4,20,000 रुपये की बिजली यूज कर लोगे। इसके बाद देखिए आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको EMI कैलकुलेटर भी आपको कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोन के थ्रू भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो, तो आपको यहाँ पर EMI के थ्रू भी आप अपने सोलर पैनल को ले सकते हो, ठीक है ना, अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हो। उसी टाइप की चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं कि 30% आपको सब्सिडी मिलेगी, 70% आपको देना होगा। इसके बाद जो आपका लोन इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका 8.45 रुपया लगेगा, ठीक है ना। लोन आपका 1 लाख में 8.45 रुपये ही आपको लोन देने होंगे मंथली। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर लोन पीरियड आपका 10 साल का मान लीजिएगा, आप 10 साल में भी अपने 70,000 रुपये चुकाते हैं तो यहाँ पर आपको मंथली कितना लोन पे करना होगा। आपका सारा का सारा लोन
आपका सारा का सारा लोन जो होता है वो आपका बैंक पे करेगी, ठीक है ना। आपको मतलब कि सोलर पैनल का जो भी खर्च होता है वो पूरा पूरा बैंक पे करेगी, आपको सिर्फ मंथली देते जाना है, ठीक है ना। इसमें आपको 17,000 रुपये भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 10 साल में एक लंबा चौड़ा हिसाब बनाकर आपको मंथली पेमेंट करनी है, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फ्री बनता है, ठीक है ना, आपका ये सोलर पैनल। तो यहाँ पर जैसे कि EMI कैलकुलेटर दिया गया है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 10 साल में पेमेंट करते हो और 8.45% की दर पर आप अपना इंटरेस्ट रेट देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर पर क्लिक किए देता हूँ, तो यहाँ पर EMI फॉर लोन अमाउंट, ठीक है ना, आपका जैसे 70,000 का आपने लिया, ठीक है ना, इसके बाद 10 साल में आपको पे करना है 70,000 रुपये, तो यहाँ पर 8.45% आपका इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना, मतलब कि ब्याज लगेगा। इसके बाद देखिए, अगर आप मंथली पेमेंट करना चाहते हो तो 866 रुपये ही आपको मंथली पे करने होंगे, इससे ज़्यादा तो आपका घर का बिल आ जाता होगा, ठीक है ना। और अगर आप 866 रुपये भी पेमेंट नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, लगभग 1.5 किलो वाट का जो आपका सोलर पैनल होगा उसमें आप एक घर की ही नहीं बल्कि दो या तीन घर की भी आसानी से बिजली जला सकोगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई घर है तो आप वहां पर भी अपनी बिजली बेच सकते हो, ठीक है ना। अगर आप दो घरों में मान लीजिए 400 रुपए के हिसाब से बिजली बेचते हो तो आपके आसानी से कोई भी लेने को तैयार हो जाएगा, 400 रुपए में एक घर के लिए बिजली कोई भी आसानी से ले लेगा। तो यहाँ पर अगर आप 400 रुपए में बेचते हो तो आपको मुश्किल से दो घरों से, अगर आप अपने पड़ोस के दो घरों से 400 400 रुपये कलेक्ट करते हो तो आपके 800 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना। 800 रुपये में से अगर आप अपने 66 रुपया मंथली आप अपने उसमें कवर कर देते हो तो आपको 866 रुपये बिल्कुल मतलब एक टाइप से फ्री ही पड़ जाएंगे। 66 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, वो तो आपके लिए वैसे ही आप खर्च कर देते होंगे, तो आप एक 866 रुपये मंथली आप बैंक का इंटरेस्ट भी आसानी से चुका सकोगे। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपका जो ब्याज होता है 10 सालों में आराम से चुक जाएगा, ठीक है ना। आपका टोटल हो जाएगा, फिर आपका ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आपका जो सोलर पैनल होता है। इसी हिसाब से मैं आपसे बोल रहा था कि ये आपको बिल्कुल फ्री पड़ जाएगा। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई लेना चाहता है, एक या दो या तीन घर को भी आप आसानी से बिजली प्रोवाइड करा सकते हो और उनसे 400 या 500 ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, जो भी जितना दे दे उसकी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हो और आप अपनी बिजली और सोलर पैनल बिल्कुल फ्री कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अप्लाई करने के लिए हम दोबारा से वापस बैक चलते हैं इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, सोलर रूफ टॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस चलते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर वापस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस आ गया हूँ, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि दूसरा ऑप्शन आपको बताया था इंस्टॉलेशन एंड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन फॉर्म पर क्लिक किए देता हूँ, देखिए दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा कैलकुलेटर के नीचे, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो आपके सामने फॉर्म होता है इंस्टॉलेशन, मतलब कि अगर आप घर पर लगवाना चाहते हो तो कुछ कंपनियां होती हैं प्राइवेट जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड होती हैं, तो उन कंपनियों को आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है ना। तो वो कंपनी आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टमर कैटेगरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप घर पर लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपना सिंपली यहाँ पर एड्रेस, नाम वगैरह, आप पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फुल एड्रेस और पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए थोड़ा नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर एस रहने दीजिएगा। इसके बाद देखिए आप कितने किलोवाट का लगवाना चाहते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने देखा था कि 1.5 किलोवाट का होता है, अगर आप 1.5 किलोवाट से नीचे का लगवाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए से भी कम में बन जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 1 किलोवाट का एक लिखे देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 1 किलोवाट का आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिलता है बिजनेस मॉडल 1 to OPT 4, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर CAPEX का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर एक कंपनी टाइप की होती है, कंपनी की कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दी जाती है कि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको जो भी कंपनी मिलती है, जो भी कंपनी आपके घर में सोलर पैनल लगवाती है, वो आपके घर में खुद लगा कर जाएगी सोलर पैनल, और आपको लगभग 2 साल तक वही आपके सोलर पैनल की देख रेख करेगी। आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो मतलब कि एक प्रकार की आपकी गारंटी हो गई, अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है या फिर आपको चलाने में किसी भी ऑपरेटिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है सोलर पैनल को, तो इस पहले ऑप्शंस को आप टिक कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप लाइफ टाइम ही किसी कंपनी, अगर आप जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है या फिर आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तब आप तो खुद तो कर नहीं सकोगे, है ना, तो आप दूसरे नंबर का ऑप्शन टिक कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही टिक करोगे तो आपके लगभग पूरे के पूरे 25 साल आपका वही कंपनी आपके सोलर पैनल की देख रेख करेगी। कुछ भी खराब होता है अगर आपके सोलर पैनल में, तो वही कंपनी आपको देख रेख करेगी, साफ सफाई करेगी, सब कुछ वही करेगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं टिक करने के लिए, वो सारी की सारी अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो आप जिस भी कंपनी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो उस कंपनी को टिक मार्क कर दीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से तो आप सभी कंपनियों के लिए टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी कंपनियों के लिए टिक कर दीजिएगा। जिस भी कंपनी को आपसे कांटेक्ट करना होगा, जो भी आपके नज़दीकी कंपनी होगी, वो सारी की सारी कंपनी आपसे कांटेक्ट करेंगी, और जिनसे भी आपकी अच्छे से पटरी खाती हो और वो आपको अच्छी से अच्छी सुविधा देती हो, जो भी कंपनी, वो कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी। तो आप अपने हिसाब से बात कर सकते हो और लगवा सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर आईडी डालकर सबमिट कर दीजिएगा, तो आपको सबमिट फॉर्म हो जाएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जितनी भी कंपनी है यहाँ पर, वो सारी की सारी कंपनी आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगी और आपको सारी डिटेल्स में बात बताएंगी कि कितना पैसा लगना है और क्या कैसा क्या करना है और कैसे देख रेख की जाती है और क्या कैसा क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसके बारे में पता चल ही गया होगा कि किस तरह से इस ये वेबसाइट काम करती है और किस तरह से हम सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।